देखो T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, और T20 वर्ल्ड कप में ना एक ऑलराउंडर होना बहुत जरूरी है, और सब लोग ये बोल रहे हैं कि वेंकी अय्यर होगा वो ऑलराउंडर। तो अभी हम वही चेक करने लगे कि क्या वेंकी अय्यर इतना केपेबल है। सो वी आर प्लेइंग अ ट्राई सीरीज वर्सेस साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान, और हम सिर्फ वेंकी अय्यर से ही खेलने वाले हैं। ओके, हमको बैटिंग मिली है, देखते कौन से ओवर पे मिली है पहले। तो ओके, हमको बैटिंग मिली है क्या, 7 बॉल पहले, सिर्फ इनिंग्स खत्म होने में 7 बॉल ही रहती है, देखते कुछ इम्पैक्ट कर पाते हैं कि नहीं। ओ, टेक अ सिंगल, तो लाइक ना करो तो कर देना, एंड अगर रेगुलर देखते हो तो सब्सक्राइब तो कर ही दो। ओहो, एज लगाया, मतलब अगर सेट होने का टाइम नहीं मिलेगा तो ये तो होना ही है ना फिर। अब 5 बॉलें रहती है, ऋषभ पंत इज बैटिंग, एंड जो भी चैनल को सपोर्ट करना चाहता है आप लोग सुपर थैंक्स कर सकते हो। ओके, पंत ने खेला है लॉन्ग ऑन पे, सॉरी लॉन्ग ऑफ पे, सिंगल ही है। तो आखिरी की 4 बॉलों में अगर मैं 2 चौके भी मार दूं ना। ओके, मैंने एक्चुअली 6 मार दिया, दिस वॉज अ वेरी गुड शॉट, बस एक और मार दूं तो बढ़िया हो ही जाएगा, और एक और जाएगा क्या, अमेजिंग। और लास्ट बॉल रहती है, मैं इस पे भी 6 मारना चाहूंगा वैसे तो। अभी हमने 5 बॉलों पे 15 मारे हैं, और मिड विकेट खेलने की कोशिश करी मैंने, 2 रन, इट्स अ 6 भाई। आखिरी ओवर में 3 सिक्स मारे वेंकी अय्यर ने। अब 5th ओवर में बॉलिंग मिली है अय्यर को, 29 पे 1 है साउथ अफ्रीका। गुड बॉलिंग, वैसे तो बैटिंग में कमाल ही कर दिया यार, 6 बॉलों में 21 रन। ओह नाइस, तो अभी ना बैटिंग ऐसी करंट सिचुएशन में आई थी ना कि मैं समझा ही नहीं पाया कि एक्चुअली वर्ल्ड कप में होने क्या वाला है। तो ये जो ट्राई सीरीज है ना, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के साथ दो दो मैच खेलेंगे, एंड जो जो टॉप 2 होंगे वो फाइनल में, क्योंकि वेंकैया अय्यर नंबर 5 पे बैटिंग करते हैं, तो हो सकता है उनको कम बैटिंग करने को मिले, और हो सकता है बॉलिंग भी कम करने को मिले, क्योंकि हम ऐसे छक्के बढ़वा रहे हैं। अच्छा भला ओवर जा रहा था, पूरा खराब कर दिया, चलो 6 रन आया, नॉट बैड। तो मतलब हमारा मेन पर्पस यही है कि हमको वेंकैया अय्यर को एज अ प्रॉपर ऑलराउंडर टेस्ट करना है, और लोग जैसे वेंकैया अय्यर को बोल रहे हैं कि भाई ये गेम चेंजर है, तो वील सी कि वो एक्चुअली है कि नहीं है। और भाई चौका बढ़वा दिया, बट कोई नहीं यार, उनको 71 पे 135 चाहिए। गुड शॉट, और वैसे भी मिडल ऑर्डर में मैंने अभी ना वेंकैया अय्यर को रखा है, पंत को रखा है, जडेजा को रखा है, और स्काई को रखा है। तो भाई अगर ऐसा मिडल ऑर्डर अगर बढ़िया चलता रहा और फॉर्म बढ़िया रही, तो असली में भी T20 वर्ल्ड कप तो जीत ही जाएंगे। और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि ये 5ों मैच इसी वर्ल्ड कप में हो जाए। भाई कैच कैच कैच, भाई 6 मन जाने, तो कैच कर लियो, 6 चला गया भाई। 10 रन तो इस ओवर में मैंने पड़वा ही दिए जो पड़वाने नहीं थे, चलो 11 ही हुए। अब हमको डेथ ओवर में बॉलिंग मिली है, ये 17th ओवर है, एंड दे नीड 62 फ्रॉम 24 बॉल्स, सो दे आर गोइंग टू कम हार्ड। भाई चौका बचा लियो, चौका चला गया मेरी बॉल पे, क्लासेन एंड डीकॉक आर बैटिंग, और यहाँ पे मेरी कोशिश यही है कि मैं 10 ऊपर रन ना पड़वाऊँ। एज लगा, चौका बच गया, गुड। देखो तो 5 रन तो लग गया, अब अगली 4 में मेरे को 5 से कम ही पड़वाने हैं। तो भाई इसी बॉल पे 5 से ऊपर पड़ गया यार, 6 चला गया ये तो, 11 रन तो ऐसे ही पड़ गए। ये कैच हो जाए, 6 ना जाने दियो भाई, ये भी 6 लग गया भाई, ये तो बहुत गलत सीन हो गया। हाँ चलो ये थोड़ी सही फुल लेंथ थी, एक स्लोअर यॉर्कर के लिए भी जाते हैं, काफी रन खा लिया हमने, काफी भाई जितने मारे थे ना उस हिसाब से हमने खा भी लिए हैं। फिर पता है भाई, देखो हमने इतने रन खाए थे ना, हमको उसके बाद बॉलिंग ही नहीं दी, बट अच्छी बात पता है क्या है, वो मैच हम 10 रन से जीत गए, तो आई एम नॉट कंप्लेनिंग। और मैं अपनी बॉलिंग के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे आते भी 1st बॉल पे 6 खा लिया है, तो ये दूसरा मैच है और हम पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं। भाई दूसरा, भाई 2 बॉलों पे 2 सिक्स खा लिया, भाई वेंकी अय्यर की तो बॉलिंग में काफी बुरी हालत चल रही है। तो 4.3 ओवर्स में दिया 37 for 0, देखो अब 2 सिक्स खाए तो एक विकेट भी मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो वैसे ना वेंकी अय्यर की ना इतनी बॉलिंग टेस्ट अभी तक हुई नहीं है, पता है पता चले असली में भी ऐसे रन खा रहे वेंकी अय्यर। चलो भाई फिर भी डिसेंट कमबैक, 13 रन लगे हैं अभी तक 5 बॉलों में, ओके 14 रन हो गए। दूसरे ओवर में अच्छा करना चाहूंगा मैं, अगर हमको दूसरा ओवर मिलता भी है तो। चलो भाई अब पावर प्ले खत्म हो गया, अब अच्छी बॉलिंग करूंगा पक्का, और सीधा खेल दिया बाबर आजम ने, इट्स अ 4। वो एक्चुअली बाबर आजम नहीं था, दैट वाज रिजवान, और ये भी रिजवान ही है, एक और चौका। भाई यार ऐसा तो मत करो यार मेरे साथ, अरे भाई साहब तीसरा, भाई मेरे को तो लग रहा है मैं 12-13 रन हर ओवर में खाने आया ही हूँ। 14 रन हो गए, हमारी इकोनॉमी तो बहुत बढ़िया चल रही है ना।
मजा ही आ गया ना देख के भाई। ये तो पाकिस्तान वाले T20 वर्ल्ड कप वाला हाल कर रहे हैं, और एज का चौका ना लगे तो आई विल बी ग्लैड। बहुत बढ़िया सिंगल ही है, और देखो 11 ओवर में इनके 94 बन गए और एक भी विकेट नहीं गिरी है। और अगर हमने अभी विकेट ले ली ना तो मजा आ जाएगा, क्योंकि पूरी टीम में और कोई विकेट तो ले नहीं पाया। बाबर आजम हो या रिजवान हो, किसी को भी आउट कर दो। जो मुझे नहीं लग रहा कि हो रहा, एक और चौका मार दिया। मेरे को एक सेकंड के लिए लगा था कि शायद ये अच्छा ओवर चला जाए, आउट। वैसे लग नहीं रहा, इट इज गोइंग डाउन लेग साइड। भाई चलो कम से कम बीट तो करवाया मैंने बाबर आजम को। ओहो भाई चौका नहीं, बचा लियो। अरे भाई भाग ले प्लीज, अरे बचा लिया। नाइस, दो सुपर नहीं है ये भाई। 100 रन की पार्टनरशिप हो गई रिजवान और बाबर आजम की। ओके 105 रन की पार्टनरशिप हो गई भाई। मैंने तो 3 ओवर में 40 रन खा लिए। पार्ट टाइम बॉलर को पूरे के पूरे 4 ओवर दोगे ना तो ये तो होना ही है। फिर एक और चौका, और वैसे भी ये ग्राउंड छोटा है तो यहाँ पे तो रन लगने ही है। और एक और चौका। देखो वेंकियर ने 50 मारी नहीं मारी, यहाँ पे जरूर 50 हो जाएगी। कैच कैच कैच, चलो नहीं यार सिंगल ही है। मैं तो विकेट लेने की बात कर रहा था, यहाँ पे हाफ सेंचुरी पड़वा दी मैंने। यार देखो अभी भी एक बॉल रहती है यार, ले ले यार विकेट। चलो भाई 54 पड़वाया मैंने, ज्यादा नहीं पड़वाया, ओनली 54। तो भाई पिछले मैच के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, पाकिस्तान ने बनाए थे 191 फॉर ओनली वन। और वेंकी अय्यर की तो बैटिंग आई ही नहीं, और उससे पहले हम जीत भी गए पता है। चलो कोई नहीं है तो अच्छी बात है भाई, वेंकी अय्यर की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे तो ऑलरेडी साउथ अफ्रीका की 2 विकेट गिर चुकी हैं, एक और गिर जाएगी तो मजा आ जाएगा वैसे। बट पावर प्ले के हिसाब से तो इट्स अ डिसेंट ओवर, क्योंकि 5 ही रन आया 4 बॉलों में। हाँ 5 बॉलों पे 5 रन, विच इज नाइस। और अगर हम यहाँ पे एक और विकेट ले लेते तो इट इज गोइंग टू बी फन। ना ना ना, सिर्फ 5 ही रन आया ओवर में, देख रहे हो बदलाव देख रहे हो। अब हमको इनिंग्स का एकदम आखिरी ओवर दे दिया भाई। भाई कौन है कैप्टन यहाँ का? बाय द वे जिसको नहीं पता, मैंने रोहित शर्मा को कैप्टन बना रखा है। और एज का चौका बचा लियो भाई। लास्ट मैच में हमारी इतनी पुअर परफॉर्मेंस थी, उसके बाद मतलब ये डिसेंट परफॉर्मेंस देना भी एक बहुत बड़ी बात है पता है, क्योंकि लास्ट ओवर भी डाल रहे, उससे पहले एक पार प्ले में भी ओवर डाला और ज्यादा रन दिए नहीं अभी तक। वैसे क्लासेन स्ट्राइक पे आ गया है जो कि एकदम सेट है। हाँ वो भी सिंगल ही ले रहा है। वैसे अभी तक वेंकी अय्यर कोई विकेट ले नहीं पाए हैं इस पूरी सीरीज में। कैच 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 कैच, आउट। मैंने जैसे ही बोला विकेट नहीं ले पाए, यहाँ पे हमने ले ली विकेट। कम बैक देख रहे हो भाई, 11 बॉलों पे 9 रन और 1 विकेट। देखो 12 बॉलों पे 13 रन और 1 विकेट, नहीं 2 विकेट। अरे ये एक और आउट है, मेरे को लगा 6 जा रही है, चौका जा रही है, तो एक और विकेट। 2 ओवर में 9 रन और 2 विकेट। भाई हमारी टीम इतनी बढ़िया है कि भाई वेंकी अय्यर की बैटिंग तक नहीं आने दी। भाई पकड़ ले, अभी पाकिस्तान के साथ मैच है और ये ना लीग स्टेज का आखिरी मैच है और इसके बाद फाइनल होगा, और मेरे को लग रहा है हम फाइनल में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमारे पेसर्स ने बहुत बढ़िया काम करा है, स्टार्टिंग में पाकिस्तान की 2 विकेट ले ले। अभी फकर जमान और हैदर अली बैटिंग कर रहे हैं, और पार प्ले में और दो भाई बॉलिंग वेंकी को। अरे कैच भाई, क्या हो गया है, 3 विकेट ले ली इतनी जल्दी जल्दी, पहले इतने रन खाए विकेट ले रहे हैं वेंकी अय्यर। ये तो वही हो गया, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। और भाई ऐसे चौका मत मार यार, अभी विकेट ली है भाई, यू स्टिल अ वेरी गुड ओवर। 5 ही रन आए और 1 विकेट आई है, 6 रन आए और 1 विकेट आई है। भाई रोहित शर्मा इतना खुश हुआ, बोलता भाई एक और ओवर डाल पार प्ले में, ले भाई। और उसके बाद ऐसे चौके खा। वैसे ये मैच ना पता पाकिस्तान में हो रहा है, और आई एम ग्लैड कि भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम गई पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी क्रिकेट वापस आ रहा है धीरे धीरे, विच इज नाइस। अरे मत निकलने दी, क्या बात है यार, ओवर की आखिरी बॉल सिंगल ही है, और इस ओवर में सिर्फ 6 रन, अमेजिंग। तो भाई कैच 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 कर ले, कैच कर ले, ये 6 जाएगा, कैच कर लियो, 6 है एक्चुअली। हम अपनी पुरानी वाली फॉर्म में आते हुए 6 खाने वाली, गुड बॉलिंग है, गुड बॉलिंग। मेरे को लग रहा है इस मैच में भी हमारी बैटिंग तो आने नहीं वाली है भाई। एक और इमाद वसीम, रुक जा मेरे भाई। तो इस चीज़ से पता हमने क्या सीखा कि सेकंड हाफ में वेंकी अय्यर को बॉलिंग दो ही मत, पहले जो करवानी है करवा लो, उसके बाद मत करो। कैच कैच कैच, एक और विकेट यार, वेंकी अय्यर ले रहा है विकेट। देखो यार बहुत बढ़िया काम करा है उसने, चाहे जितने भी रन पड़वाए सीरीज में 4 विकेटें तो लिए, 4 मैच के लिए 4 विकेटें लिए, और एक मैच में बैटिंग भी बहुत बढ़िया करी है। चलो अब शादाब खान को बॉलिंग करते हैं। कैच कैच कैच, नहीं होगी अय्यर भाई, 4 और अच्छी बॉले, खुश हो जाऊंगा मैं। हाँ ये हुई ना बात,
और बाउंसर डालने की कोशिश करी, पहली बार ये बोलर्स सिंगल एंड ईयर, मतलब वेंकय्या अय्यर की पेस पे बाउंसर डालने का मतलब बनता नहीं है वैसे भाई। 3.5 ओवर में 26 फुट 2, कितना बढ़िया भाई। और इधर ही एक सिंगल और ले लेंगे, 27 रन पड़ गए, बहुत ही बढ़िया 4 ओवर। और भाई उस मैच में हमको दोबारा बैटिंग नहीं मिली और इंडिया 10 विकेटों से जीत गए। दिस इज द फाइनल, ओके, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वानखेड़े स्टेडियम पे हो रही है। देखते हैं इस बार बैटिंग आती है कि नहीं। भाई बैटिंग आ ही गई, फाइनल में आई, अब सीधा एक पहले मैच में फिर फाइनल में। और देखो आई भी कब है, शाहीन अफरीदी ने 1 ही ओवर में 3 विकेट लिए तब आई है। और हमने कवर ड्राइव खेलती उसी ओवर में फॉर अ 4। देखो यार अपने ना इंडिया की लाइनअप ऐसी है कि भाई कभी कभी ना टॉप 3 इतना बढ़िया खेल जाते हैं ना कि और किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हर ऑलराउंडर के साथ ना यही सीन है कि उसको मौका मिलेंगे कम, जैसे 5 में से 2 बार ही, और जब मिलेंगे एक फायदा उठाना है। और क्या कर रहा है भाई केएल राहुल, एक तो मेरे करियर मोड में भी केएल राहुल के साथ मेरे को बैटिंग आती थी, यहाँ पर भी वही है। अभी शादाब खान के साथ 3 बॉले वेस्ट करा दी केएल राहुल ने, भाई मार ले भाई, अब सिंगल लिया 4थी बॉल पे, अब क्या फायदा। चलो 2 भाग ले केएल राहुल, चलो अभी तो हम नॉन स्ट्राइकर पे चिल कर रहे हैं भाई। चौका वौका मार भाई केएल, 2 भाग लेंगे क्या, नहीं इस पे 2 नहीं आते। चलो अब हमको ही बाउंड्री निकालनी है इस बॉल पे, बाउंड्री आए ना है, 2 रन ले लेते हैं, फास्ट हो जाएंगे कम से कम। अरे चौका चला गया, बहुत बढ़िया, हमने 2 बॉलों पे 2 चौके मारे। और भाई वो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो कर लेना यार, ये वीडियो देखना उसके बाद पूरी कर लेना भाई। केएल राहुल से ना हो पा रहा है एंड इट्स अ नो बॉल। वैसे शाहीन अफरीदी ने पूरा मैच पलट दिया, 3 विकेट 1 ही ओवर में लेके। और भाई मैं आउट हो गया था पता है फ्री हिट पे, मेरे को लगता है अपना टारगेट शुड बी टू गेट टू लाइक 180 रन्स। हाँ सिंगल लो सिंगल लो, बहुत बढ़िया। और हमको पिछली इनिंग्स जैसे रन भी मारने पड़ेंगे कुछ। अरे इतना ज्यादा बाउंस कैसे मिल गया। चलो हैरिस रॉफ के ओवर में 2 चौके तुम्हारे केएल ने, वो भी बढ़िया ही है। सिंगल लेते हैं, अगले ओवर हम खेलेंगे आराम से। पेपर स्वीप खेला, सिंगल ही है, ओके ओवर थ्रो, 2 रन भाग लिया भाई हमने। भाई ओवर थ्रो तो फायदा तो उठाना चाहिए ना, एक एक रन वो होता है भाई कीमती। ओके बैकवर्ड्स के लेग पे खेला है, चौका जा सकते क्या, गुड शॉट विंकी। ओके मिड विकेट खेल दिया, केएल 2 भाग लियो जल्दी जल्दी, ठीक है। ओके बैकवर्ड्स के लेग खेल आया है दोबारा और आउट नहीं हुआ, मैं इसी बात पे खुश हूँ। 2 भाग लेते हैं, शोएब मलिक आया बॉलिंग करने के लिए केएल राहुल को, और भाई मिड विकेट खेला केएल राहुल ने, 2 भागों। हाँ भाई 2 भागने पड़ेंगे, चलो अच्छी बात है भाई, केएल राहुल भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है। और ये 6 जगह ये आउट होगा, और केएल राहुल आउट। अब हमारे साथ बैटिंग करना है सूर्य कुमार यादव, और हमने मार दिया रिवर्स स्वीप फॉर 4। सूर्य भाई बढ़िया खेल रहे एकदम, ओके सिंगल ही है। देखो इस ओवर में 8 रन आ गए, अगर हम यहाँ पे 2 रन भी ले लेते ना कुछ करके बढ़िया हो जाएगा। पिछों की तरफ खेल दिया, चौका ही आएगा ये तो, गुड शॉट, मतलब देखो रिस्क भी नहीं लिया और चौका भी चला गया। हैरिस रॉफ ने भी बढ़िया बॉलिंग करी है, 2 ओवर में 14 रन, और एज का चौका मिलेगा सूर्य कुमार यादव को, गो फॉर इट्स का है। हाँ सिंगल ले लो बस, बढ़िया। देखो इस ओवर में 7 रन तो आ ही चुके हैं, और कवर्स के ऊपर से खेल दिया, 2 इजी। वैसे वेंकी ने बुरी इनिंग्स निकली, 16 बॉलों पे 30 रन, और सीधा खेल दिया, 2 दोबारा आ जाएंगे मेरे को लगता है, चौका नहीं जाने वाला ये। हाँ वैसे इसके बाद हमारे पास जडेजा भी है तो चिंता करने की बात है नहीं। और एज का चौका हमको नहीं मिला, सिंगल ही मिलेगा। ओके मिड विकेट खेले, 2 आ सकते क्या, क्या भागेगा भाई, स्काई बोल रहा भाग लूंगा। T20 में टूल्स लेते रहने चाहिए पता है, और ऐसी बॉल आए तो चौके भी मारने चाहिए। अभी तक ठीक ठीक ओवर गया, 6 रन आ चुके ओवर में अभी। अरे पॉइंट पे खेल दिया यार, गैप नहीं मिला, सिंगल। आखिरी 2 बॉलों पे एक बाउंड्री चाहिए हमको बस, अब वो जैसे मर्जी मारे। देखो पॉइंट के ऊपर से हमारा स्काई ने, चौका जाएगा कि नहीं पता नहीं, 2 भाग लेते हैं। और अगर अब एक बाउंड्री नहीं भी आती तो 2 रन और भी आ जाए तो भी चलेगा, स्काई इज ऑल्सो आउट। अब चढ़ी जाए हमारे साथ बैटिंग करने के लिए, और सीधा खेल दिया 4 ऑफ 4। अब आखिरी की 15 बॉलों पे 30 रन तो मारने हैं यार कुछ ना कुछ करके। सीधा खेल दिया वेंकय्या अय्यर ने अगेन, जडेजा 2 भाग ले, वो नहीं 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 2 नहीं होंगे यार। हसन अली का काफ़ी बढ़िया ओवर गया ये, सिंगल एक और, इस पर अगर 1 6 आ जाए ना मज़ा आ जाएगा पता है। और मारने की तो कोशिश करी थी, और हो सकता है वेंकय्या अय्यर आउट हो जाए, नहीं हुआ नहीं हुआ, 2 आ जाएंगे, 2 भाग लिए। ये शोएब मलिक को आखिरी में ओवर क्यों दे रहे हैं। अरे जडेजा भी आउट, शार्दुल आया बैटिंग पे,
रिवर्स स्वीप खेला, सिंगल ही मिलेगा। शार्दुल आ जाओ भाई, रन मार दो कुछ। शार्दुल भी आउट भाई। मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं बैटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वेंकैयर से बैटिंग कर रहा हूँ, अगर किसी को ना पता हो तो। ये तो यूजी ने चौका मार दिया, अच्छी बात है भाई। 180 तक तो स्कोर लेके जाना है यार, कैसे लेके जाएंगे। तो यूजी ने दो चौके मार दिए, स्टेज बैट। ओके देखो, 7 बोले और 15 और मार दिए, मजा आ जाएगा पता है। वाओ यूजी, कोई नहीं, दो चौके मारे, वेरी गुड। आखिरी ओवर में 15 भी चलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये वेंकी अय्यर आउट नहीं हुआ यार, सिंगल नहीं लेना चाहिए था पता है। वैसे अय्यर की 50 हो गई 28 बॉलों पे, नॉट बैड। सिंगल लो, सिंगल लो, सिंगल लो, आखिरी 4 बोले मिलेंगी खेलने के वेंकैयर को भाई। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आखिरी 4 बोलों पे 2 6, दैट्स इट। और वेंकैयर भी आउट। अब हमको बॉलिंग दी गई है फोर्थ ओवर में। कैच हुई नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई, कोई नहीं यार, दो अच्छे ओवर निकाल दो ना, मैं मजा आ जाएगा। अरे यार एच का चौका, अभी तो स्लिप है, उसके बाद भी ये हो रहा है, बताओ। कैच हो जाएगी, कैच हो जाएगी, कैच कर लेगा, कैच कर लेगा। और भाई वेंकैयर अय्यर इज ऑन फायर, पहले बैटिंग में बहुत बढ़िया करा उसने, एक विकेट भी ले लिए। चलो भाई, रिजवान भाई छिक्का नहीं मार पाए और आउट हो गए भाई। चौका मत जाने देना, हेलो चौका बचा लियो, हेलो नहीं बचाया भाई। इस बार ही रोहित शर्मा ने पावर प्ले में 2 ओवर दिए हैं। आई थिंक सो ही वॉन्ट्स कि मैं बाबर आजम को भी आउट कर दूं। वैसे बाबर आजम की विकेट लेना मजा आएगा। कैच 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 नहीं होगी, चौका जाएगा ये। देखो पहली 2 डॉट बॉल थी तो उसके बाद पावर प्ले में तो मारेंगे ना ये। देखो 50 रन मारने के बाद ऐसी बॉलिंग करी है ना, बहुत बड़ी बात है पता है। देखो 9 ओवर रहते हैं, ठीक है, एंड दे नीड 91 विच इज लाइक 10 पर ओवर। और हमको बॉलिंग दी गई है, बाबर आजम आउट हो चुका बाय द वे, हैदर अली और फखर जमान बैटिंग कर रहे हैं अभी। एंड वी आर लुकिंग फॉर व्हाट, वी आर लुकिंग फॉर विकेट्स एंड दे आर लुकिंग फॉर रन्स एंड दे आर गेटिंग रन्स। भाई 200 पर मत भागने देना, 3 भाग लिए इन्होंने यार। मेरे को अपने 2 ओवर तो अच्छे डालने यार, जो मुझे नहीं लग रहा है डालेंगे। मिड विकेट पर चौका। अभी हमने एक दो मैच पहले क्या सीख ली थी, सेकेंड हाफ में वेंकैयर से बॉलिंग ना करवाएं, लेकिन रोहित शर्मा सीख नहीं रहे वो। चलो भाई 2 और अच्छी बॉले भी निकल जाना, तब भी अच्छा ओवर मारूंगा मैं इसको। भाई चौका एक और, बच गया बच गया बच गया, तब भी 3 भाग लिया बताओ। और एक और चौका आएगा मेरे को लगता है, ये बचा लेगा। अरे बचा लिया, और उनको चौथा ओवर दिया ही नहीं एंड पाकिस्तान जीत गई विद 4 बॉल्स रिमेनिंग। देखो प्लेयर ऑफ द सीरीज में ना हम नंबर 5 पे आ रहे हैं, और बॉलिंग में हम वीवर नंबर 3 इन द टॉप विकेट टेकर्स। हमसे ज्यादा सिर्फ शाहीन अफरीदी और बुमराह की विकेट थी। तो लाइक ना करो तो कर देना, सब्सक्राइब ना करो तो कर देना, ऐसी वीडियोज और आती रहेंगी। इंस्टा पे फॉलो कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।